आज के फनकार। श्रोताओ, रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता सईद जाफरी, आज का ये कार्यक्रम इसी महान अभिनेता पर केंद्रित है। आठ जनवरी 1929 को मलेरकोटला पंजाब में जन्मे सईद जाफरी ने हिंदी के अलावा कई अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। सईद जाफरी शॉन कॉनरी, माइकल केन और पियर्स ब्रॉसनन जैसे नामी कलाकारों और सत्यजीत रे, जेम्स आइवरी और रिचर्ड एटनबरो जैसे गुणी फिल्मकारों के साथ कार्य किया। कुछ वर्षों के लिए सईद जाफरी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने संजीव कुमार के साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित यह फिल्म निर्देशित की थी सत्यजीत रे ने। ये फिल्म सईद जाफरी साहब को कैसे मिली, इसका जिक्र उन्हीं के शब्दों में। वो एक सन 56 में जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, सुबह के 10:30 बजे मैंने एक फिल्म देखी और मैं रो पड़ा। कितनी खूबसूरत फिल्म थी, ऐसी फिल्म मैंने देखी ही नहीं थी। हालांकि बंगाली में थी, मगर एक एक उसका नुआंस, एक एक उसकी रग समझ में आती। इसका नाम था पाथेर पांचाली। वो सत्यजीत रे साहब की पहली फिल्म थी। अब हमें टिकट वगैरह हमने बुक हो गया था लंदन जाने का, फिर उसके बाद अमरीका जाने का। तो हमने हिंदुस्तानी फिल्म के लिए हमें वापस आना पड़े। प्लीज मेक श्योर कि इनके साथ, सत्यजीत रे के साथ। इन इशारों से आपकी क्या मुराद? अब चल चलिए, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। आप बाजी हार रहे हैं, इसीलिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कौन कम वक्त हार रहा है, हम तो अपनी चाल भी चल चुके हैं। आपकी बारी है, आप चलिए। आपने कितनी दफा हमें हराया है और हमारी ड्यूटी पर बल तक नहीं आया। आप चाल चलिए मेरे साहब। और आप है कि जामे से बाहर होते जा रहे हैं, ये तरीके शरीफों के नहीं होते। अभिनय और रंगमंच से गहरे लगाव के चलते उन्होंने नई दिल्ली में स्थापित की अपनी रंग संस्था यूनिटी थिएटर। मैं समझता था हमेशा कि स्टेज पे इंसान अपनी कुव्वत, एक्टिंग की ताकत जो है उसकी डेवलप वही स्टेज पे होती है। फिर भी इंसान को एहसास होता था कि यार, कि तुम अभी तक एक मंझे हुआ एक्टर नहीं हो। अंग्रेजी में अगर तुम्हें एक्टिंग करनी, जिस जो हम चाहते थे उस वक्त। सईद जाफरी ने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अध्ययन किया और उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका चले गए। ब्रिटिश और कैनेडियन एकेडमी अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया और ये नॉमिनेशन वाले वो पहले एशियाई कलाकार हैं। Directors, Satyajit Ray, John Huston, David Lean, and so on. But there are some actors, some directors that nobody can replace. And these are directors, film directors, who have been actors themselves. It was absolutely a marvelous experience. नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। रिचर्ड एटनबरा का भी यही था, बेन किंग्सली के साथ, मेरे साथ, रोशन सेठ के साथ, किसी के साथ भी। उन जब तक के आर्टिस्ट बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाता था, वो अपने टेक पे टेक लेते थे, क्योंकि खुद एक्टर थे। बेन डार्लिंग, आई नो इट्स अ नाइंथ टेक, बट इट डजंट मैटर, वी वांट दैट परफेक्ट वन। And now, I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with. A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale. A man whose accomplishments in South Africa will always be remembered. Mr. Mohandas Gandhi. Your journal has made great impact. I'm flattered by Mr. Patel. I would be even more flattered if what he said were true. But it is true. इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आपके कैमरे ज़्यादा अच्छे हैं, आपके साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है,
और एक ख़ास किस्म की प्रोफेशनलिज्म लोगों में है, एक ख़ास माहौल, एक मैं बताऊँ फिल्म मेकिंग में आपके यहाँ वो कंटिन्यूटी गर्ल जो होती है, जो कि अपनी किताब में सब कुछ लिखती है कि वो मिसेस वर्मा यूँ बैठी हुई थी और सईद साहब यूँ लेटे हुए थे या टेक ले रहे थे और कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया था, कौन सा साइज था उसका, ये सब चीज़ें वो उनकी नोटबुक में लिखती हैं। अच्छा, वो चीज़ जो है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो उन एक ने कंटिन्यूटी ले ली तो वो सीख तो रहा है, मगर उसकी एम्बिशन ये नहीं होती कि मैं सिर्फ कंटिन्यूटी बॉय बनूं। सईद जाफरी के अभिनय में रंगमंच का अनुशासन, चरित्र को आत्मसात कर लेने का गुण। बस भी करो जी बाबू, ऐसा क्या कर दिया इसने, एक घर से दो अर्थियां निकलवाने पर तुले हुए हो। तुम्हारी हिमायत की इस घर को कोई जरूरत नहीं है कुंज, पहले तो तुम ही थे, अब तो दो कलंक हो गए इस खानदान में। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा जी बाबू, गुस्सा हमें भी आता है। तो क्या हाथ उठाएगा तू, मां के रहते तेरे कदम इस घर में बर्दाश्त कर लिए मैंने, निकल जाना ही तो टुकड़ों में भिजवा दूंगा तुझे। और रही तुम्हारी घर की बात, तो हम तो उस कोठे में भी दोबारा नहीं गए जहां थूक दिया एक बार, और इस चौखट पे आज से कदम रखा तो कह लीजियो। पर एक बात याद रखना, मेरा तो कोई बेटा है नहीं, नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं। कि जो कुछ हमने सीखा है ये सब जो है ये सिर्फ अपने पास थोड़ी रखो, इसको तो शेयर करो यार, अपने नए नए पौध जो है, नए बच्चे जो हैं, जो एक्टर हैं, जो कारीगर हैं, जो कैमरामैन हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, इन सब जो जो स्पॉट बॉय है, इन सब को आप मोहब्बत भी दें और आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि कुछ आपसे भी सीख लें। आदाब लाला मियां। ओहो मियां प्रोफेसर, आज कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? भूल गए आप आज कौन सी तारीख है? पहली तारीख है। तो पैसे चुकाने आए हो? इतनी आपकी किस्मत कहाँ है ललन मियां? मैं तो ये बताने आया हूँ, इस महीने में आपका हिसाब नहीं चुका सकता, कॉलेज बंद है ना। तुम यहाँ पहली तारीख को भी यही बताने आए हो कि आप भी हिसाब नहीं चुका रहे? ललन मियां मैं तो ये बताने आया हूँ कि इरादा नेक है। मियां अल्लाह कसम, यहाँ तो सारा काम नेक इरादों ही पे चल लिया है, समझे? बीवी बच्चों को ये कह दूंगा कि खुश रहो, मेरे खरीदार पैसे नहीं देते मगर खुश रहो, जिनके इरादे नेक हैं। अब ललन मियां हमारी भी मजबूरी है, अब देखिए कल से एक सिगरेट नहीं पिया, एक नहीं पिया कल से एक। ए तो बड़ा एहसान कर रहा हूं मुझ पे। अम्मा वो तो मुस्टंडे जो तुम्हारे हैं, वो पैसे क्यों नहीं दे रहे, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल लिया क्या? ललन मियां आप भी, ओमी तो इस साल फिर फेल हो गया तीसरी बार, इस डर से तो घर नहीं जा रहा छुट्टियों में। ओहो उसके माँ बाप ने तो पैसे भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जोमू के माँ बाप जो है वो है नैरोबी में, उनके पैसे आने वाले, जरा इंतजार है। देखो उस्ताद आखिरी चांस दे रहा हूं, अगर अगले महीने तुमने पैसे नहीं चुकाए मेरे तो मुझ जैसा मगरमच्छ कोई नहीं होगा। फिलहाल तो ललन मियां आप जैसा मेहरबान कोई नहीं। और मियां वो तुम्हारे दो तीतर बटेर दोस्त जो चोरों की तरह मुंह छिपाए दूर से चले जाते हैं, विन से कह दीजिए कि यहां भी इस सड़क पे भी आने की इजाजत है, ललन से सलाम दुआ तो कर ले। अच्छा। सईद जाफरी फिल्म के हर फ्रेम में अपनी उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते हैं, भूमिका कैसी भी हो, कलाकार कोई भी हो, सईद जाफरी अपने अभिनय का असर छोड़ जाते हैं। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आज न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा दिल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा दिल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर
बढ़ के जुल्फों में कलियां लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। फिल्म मासूम में सईद जाफरी साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था। सईद जाफरी साहब ने जिस फिल्म में भी अभिनय किया उसमें अपने मंजे हुए अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। पर्दे पर वो जो भी चरित्र निभाते थे उसे सजीव कर दिया करते थे। सईद जाफरी साहब के अभिनय से सजी एक और महत्वपूर्ण फिल्म है राम लखन। केसरिया विलायती को निकालने में किसी अपने ही आदमी का हाथ था और इसका पता तुम्हें लगाना होगा राम। आप लोग ये ना भूलें कि अगर केसरिया विलायती मुझे 30 दिन में नहीं मिलता तो शायद मुझे सरकार को इस्तीफा देना पड़े। कौन हो सकता है ऐसा विश्वासघात। ये है मेरे संधी हजारी प्रसाद और हजारी ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त गिरधारी लाल। नमस्ते नमस्ते। लगता है मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। जी आपने जरूर मुझे किसी समारोह के उद्घाटन में देखा होगा। ये है बड़े छुपे रुस्तम, लगते तो यूं हैं मगर अंदर से हैं कुछ और। मेरा साहब क्या है कि मैं भी जरा बाकी मेहमानों को देखकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। तूने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है? जानकारी क्या, टेक्सटाइल मिल्स हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, सीरियसली। क्या तू अपना अपनी बेटी का भला चाहता है तो ये सगाई फौरन रुकवा दे। सगाई रुकवा दूँ? हाँ। तू होश में तो है? हाँ मैं तो होश में हूँ लेकिन जब तक तुझे होश आएगा ये हजारी प्रसाद तुझे भिखारी बना चुका होगा। क्या बात कर रहा है यार। हाँ हाँ इसकी कोई मिल विल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। जिसे तू करोड़पति समझ रहा है ना, ये महज 2% का कबाड़िया है, कबाड़िया। क्या? हाँ। सईद जाफरी के पास रंगमंच का गहरा अनुभव था। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर उनका खासा अधिकार था। उन्होंने बच्चों के लिए अपने स्वर में कई कहानियां भी रिकॉर्ड करवाई थी। उनमें से ही एक कहानी के ये अंश। हेलो चिल्ड्रन, रिमेंबर मी, योर फ्रेंड करडी द बेयर। टुडेज स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ कौवा एंड लोमड़ी। Kawa is a crow and Lomri is a fox. A fox, like his cousin the jackal, is very cunning. Let's see how cunning Lomri fooled Kawa. Mrs. Kawa the crow lived on a tree. Happy she was,
wild and free. From her nest every morning flew Kawa far and wide, sometimes just for fun, at times for food to find. सईद जाफरी के अभिनय में एक सहजता तो थी ही, वहीं वो जिस किरदार को निभाते उसे अपने अभिनय से जीवंत और विश्वसनीय बना देते। आज अपने नए मकान का भूमि पूजन है करवे, कितना अच्छा होता अगर तुम भी मौजूद होते। तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या किया है? अपनी जिंदगी भी दे के मुझे जिंदा देखने का दावा करने वाले मक्कार, तूने मेरी ही जिंदगी के 3 साल छीन लिए और कहता है मैंने क्या किया है? वाह मिश्रा वाह, खूब निभाई दोस्ती तूने। वो करवे भाई अब हाँ हाँ, वो तो तुमसे उस बूढ़े ने कहा था, मगर तुम इनकार तो कर सकते थे। मगर तुम क्यों मना करते? तुम्हें तो हर कीमत पे जिंदा रहना था, चाहे किसी की भी जिंदगी छीन के, और वो जिंदगी तुम्हारे अजीज दोस्त की ही क्यों ना हो। नहीं करवे, तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। तुम किसी को नहीं चाहते मिश्रा, सिर्फ अपने आप को चाहते हो। तुम्हें खुद गर्ज मौका परस्त इंसान हो। ये घर बनाने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मुझे है हक, ये घर मेरी जिंदगी की तमन्ना है और इसे मैं बनवा के ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। पिताजी, बेनी आ गया। बेनी जी, करवे को क्या हुआ? पिताजी आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। तुम दोनों को छुपा रहे हो मुझसे, करवे को क्या हो गया? देखिए, बोलने से विस्फोट पड़ता है। अरे तो मैं खुद जाके देखता हूँ। पिताजी अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, हम लोग सीधे शमशान घाट से आ रहे हैं। कल रात 8:13 पर करवे चाचा। सईद जाफरी ने पर्दे पर कुलीन रईस से लेकर आम आदमी तक के किरदार को बखूबी निभाया। पर्दे पर वो सईद जाफरी से ज्यादा वो चरित्र नजर आते थे जिसे वो निभाते थे। साहब, साहब, अंधा है क्या? नहीं बाबू, भूखा हूं, इसलिए लड़खड़ा कर गिर गया। देख तेरे गिरने से क्या हो गया? मामूली सा दाग लग गया है, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। तेरी नजर में ये मामूली सा दाग होगा, मगर हमारी नजर में ये कार बिल्कुल बेकार हो गई है। और राय बहादुर उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस पर एक भी दाग लग गया हो। सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो और फिर दोबारा ये इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी दिखाई ना दे। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। राय बहादुर दीवान चंद को हारना पसंद नहीं। 7 साल की जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे नाक के नीचे से कोई निकाल कर ले गया हो। डैडी, अगर मैं टेंडर की कोटेशन की प्राइस में कुछ कमी कर देता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। अब क्या फायदा हुआ? लोगों के सामने हमारी गर्दन झुक गई ना। जो प्रोजेक्ट बरसों से हमारे पास था एक नई कंपनी के पास चला गया। राय बहादुर पैसे गंवा सकता है, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन डैडी ये तो झूठी इज्जत है, बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। बिजनेस तुम सिखाओगे मुझे? ये सब मैंने बनाया है, घर, ऑफिस, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, समझे? और तुम्हें 2 वक्त की रोटी जो नसीब होती है वो भी मेरी मेहरबानी से। डैडी आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता बल्कि मेहरबानियों का कर्ज चढ़ाता जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। सईद जाफरी का जाना अभिनय जगत की अपूर्णीय क्षति है। सुनने वालों की स्मृतियों में उनके निभाए कई चरित्र कौंध रहे होंगे।
वो स्टार की बजाय एक सधे हुए मंजे हुए अभिनेता थे और हमारी स्मृतियों में उनके निभाए कई किरदार दर्ज हैं। What can I do for you? One masala tea with चार खारे बिस्किट प्लीज। No, no, no. Nine. Who are you and why you are here? Why you are here? No, who are you? I am me. What the hell are you doing here? Hell मतलब जानू? ये तू पीसो ना तलामरे? Who let you in here? तारो माथो पेरु गए छे के? What? ये डोकरे हैं तू तो फार डाले हैं? What is that? ओ यार मैं सुनी जा रहा है तो तू बोली जा रहा है यार? और ये मैं चल रहा है, ये मैं चल रहा है, पढ़ पढ़ पढ़। What are you saying? Hey? ए तुम्ही एक टू नाइन आई अंडरस्टैंड नथिंग तुम्ही एक टू पागल लुक यू गेट आउट ऑफ हियर आई विल कॉल द सिक्योरिटी गार्ड नाउ अरे अभी तक मालगा के अंदर टोनी को इडियट बोलने का किसी के अंदर ताकत नहीं है यू इडियट आई डोंट केयर यू गेट आउट ऑफ हियर और आई विल कॉल द सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड यस इसको हम 20 रुपए देंगे वो खिड़की से भाग जाएगा तो तुम नहीं जानता हम कौन है तुम कौन है हम एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रिया हम मर्सिडीज ऑफ इंडिया Mercedes of India? Yes. You idiot. You get out of here, you stupid idiot. तुम बुजुर्ग आदमी है इसलिए हम तुमको stupid और idiot बोलता नहीं है तो इसलिए तुम चढ़ता जा रहा है क्या हमारे सर के ऊपर तो क्या? What is that? What is this? This is comedy का piece. Then what you want? What you want, यार? I want you to get out of here. I want you to get out from there. Where? There, खिड़की No, खिड़की What is खिड़की? खिड़की, गोल खिड़की Stupid man क्या बड़ा है इसलिए ऐसे बार बार बोलता है क्या हाँ बोलता है अभी तुमको हम पकड़ लेगा ना क्या करेगा तुम पकड़ लूँ क्या अभी हाँ देखा बाद में तुम्हारा नाक पकड़ेगा हम हाथ नहीं टोनी को हाथ नहीं लगाने का क्यों Why? No one can touch Tony Gonsalves He's a too much of a man I am touching you now ऐसा टच करेगा तो हम भी टच कर सकते हैं इसमें क्या है What is that? I want you to get out now Even I want you to get out now Where? Out! This is my place! So what are you going to do? I'm going to touch you. Even I can touch you. You are an Indian. You are not only an idiot. I want you no. out of here. No! I want you yes. out of here now. मर्मत की बात चल रही है तो मर्दों का काम नहीं है. तुम जाओ आराम से बाथरूम में ना. But Tony. No! Tony. No! Papa. Papa. पापा यावोल पापा सोनिया पापा पापा टोनी गाय मालिका दिखाने वाला ही इज ऑलवेज सो हैप्पी अ जेंटलमैन आई एम जेंटलमैन पापा पापा फॉर यू मी प्लीज पापा ही इज अपोलोजाइजिंग फॉर यू मी सॉरी पागल है तू पापा तू पागल है यू नो टोनी आई एम टोनी आई एम टोनी पापा पापा लव यू पापा भालू पापा पापा माय डार्लिंग पापा 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 प्लीज पापा डोंट वरी अलाउ हिम टू लीव टोनी सही जाफरी साहब ने हिंदी की यूं तो कई फिल्मों में काम किया है लेकिन उनकी चर्चित फिल्मों के नाम हैं शतरंज के खिलाड़ी एक बार फिर चश्मे बद्दूर मासूम मंडी सूर्यवंशी वंश आईना आशिक आवारा रामलखन दिल इंद्रजीत हिना त्रिमूर्ति हीरो हीरालाल खून भरी मांग चालबाज ईश्वर मशाल सागर राम तेरी गंगा मैली खुदगर्ज ये दिल लगी अचानक आंटी नंबर वन और अलबेला सन 2006 में सईद जाफरी के पास अभिनय का प्रस्ताव जिस फिल्म के लिए आया वो थी भविष्य द फ्यूचर इसी बारे में बोलते हुए सईद जाफरी डॉक्टर निखिल कौशिक मेरे पास आए और उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई बड़ी अच्छी और सच्ची कहानी थी कहले कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है तो मैंने कहा जरूर बनाओ मगर कहानी इतनी प्यारी है कि इसमें सच्चाई होनी चाहिए अगर किसी डॉक्टर का रोल है तो किसी डॉक्टर ही को लो अगर किसी नर्स का रोल है तो किसी नर्स को लो अगर किसी क्लर्क का रोल है तो क्लर्क को ढूंढो तो बहुत अच्छी मुझे बहुत पसंद आई और इसमें बाय द वे मैंने भी एक पार्ट किया है सईद जाफरी एस सईद जाफरी इसका टाइटल है भविष्य द फ्यूचर आज की फनकार आज का ये कार्यक्रम समर्पित था रंगमंच टेलीविजन और फिल्म जगत के
सुप्रसिद्ध अभिनेता सईद जाफरी की स्मृति को। आज के फनकार।